नज़र लगाने वाले की आँख फटे और जो नहीं देख सकता वह अंधा हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुम्हारे हिसाब से कितने दिन रहते हैं? नहीं जानती सलमा, हिसाब खो दिया है, लेकिन इतनी परेशान हूँ कि इस बच्चे के आने की नौबत नहीं पहुँचेगी। मेरे हिसाब से तो 3 रोज़ हैं या फिर 4 रोज़। वह क्या कह रही हो, वही बात है खाला, तुम हमला हो या बानो, कैसी बातें कर रही हो। ले जाओ ये अंगीठी, इसके दुआ से सारी जगह भर दी। खाला, इस फल की खुशबू से शफा है। रेहाना, सलमा खाला की टोकरी में रोटी, खुरमा और घी भर दो, खाला यतीमों के लिए ले जाएगी। दही को भी थैली में रख दिया है, आधा सलमा को दे देना, वो लेकर चली जाएंगी। खुदा तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी सखावत की वजह से सलामत रखे। रेहाना, ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाना, खुदा जानते हैं मेरे बाजू दुखते हैं, सुबह से शाम तक जो मैं भाग दौड़ करती रहती हूँ, बस न कमर बची है न पाँव। ये लो बानो, सुरमा है, जब भी वजू करोगी आँखों में लगाओ, दिल खुश हो जाएगा। और खाम खा की बातें जहन में न लाओ, तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मैं से क्या ताल्लुक? नहीं जानती सलमा। तुम्हारे बदखा और हसद रखने वाले अंधे हों, इन प्यारी आंखों पे अफसोस की बात नहीं। सलमा क्या खबर है? दुल्हन बानो एक खुशखबरी है, आज मस्जिद कुफा उस दिन की तरह थी जिस दिन कुफियों ने हमारे मौला अली के साथ बेयत की थी। क्या क़यामत बरपा थी, लोगों के मुँह से सुना कि 18,000 कूफी ने मुस्लिम इब्न अकील के साथ बेयत की है। खुदा करे इस बेयत में दवाम पाई जाए। कूफी इस्तकबाल तो बड़ा अच्छा करते हैं। जो जहर से बुझी तलवार अली के सर पर मारी गई और उनके बेटे हसन के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो उन लोगों की बेवफाई का जहर था। क्या खबर है सलमा? दारुल इमारा के अंदर की खबरों को दुल्हन बानो बेहतर जानती है, शोज़ब कुछ नहीं बोलता। नहीं सलमा, आजकल शोज़ब बिल्कुल बदले हुए हैं, दिन ब दिन बदअख़लाक होते जा रहे हैं, कम बोलते हैं और चुप रहते हैं। मैं भी जब बात करती हूँ तो ठीक से जवाब नहीं देते, कोई हमारे दरमियान जुदाई डाल रहा है, हमारे दरमियान जुदाई डाल रहा है। हाँ हाँ, ये सब काम इब्ने मरजाना के हैं दुल्हन, खुदा उसकी आंखें निकाल दे। ये हरकतें सब उन्हीं की तरफ से है, कितनी आसानी से तहमत लगाते हैं, एक जो के बराबर खुदा के खौफ नहीं है, ये भी मरा हुआ उम्र आस की तरह है। तुमने कुछ सुना है सलमा? बहुत ज़्यादा दुल्हन बानो, बहुत ज़्यादा। क्या सुना है? क्या नहीं सुना, झूठ इसकी कोई हद नहीं, तोहमत ढेरों ढेर। छोड़ो दुल्हन बानो, तुम्हें इन दिनों में अपनी छोटों की फिक्र करनी चाहिए, छोड़ो। सलमा बताओ तुमने क्या सुना? अगर तुमने कुछ नहीं सुना मेरा मुंह भी बंद है। क्यों ऐसी बात करूं, क्या मुझे पता है तोहमत है, कब्र के अंदर कौन मेरी मदद करेगा। हाय हाय हाय, मेरी बहन हो सलमा, अलवी हो, तुम अपने को मेरी खैरख्वाह समझती हो, अगर तुम मुझे ना बताओगी तो गैरों से क्या तवक्को रखूं? जब मुझे पता न चले कि क्या तोहमत लगी है तो मैं कैसे दिफा करूं? तुम तो मुझे साफ साफ बताओ।
कम से कम तुम तो मुझसे ना छुपाओ मुसलमान। खुदाया तौबा, तुम एक फूल से ज्यादा पाक हो दुल्हन बानो। आजकल अली की चाहने वाली मारिया नसरानी कुफा की औरतें के लिए एक मिसाल है। बहुत सी शिया औरतों की ख्वाहिश है कि तुम जैसी फरिश्ता बने। सलमा, तकल्लुफ क्यों कर रही हो? मुझे जांबलब कर दिया है, बताओ क्या सुना है सलमा? खुदा मुझे ये बातें न सुनवाता, मेरे मौला अली के शिगाफ्ता सर की कसम, जब मैंने सुना तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अलवियों से नस्बत दी है तो मेरे हड्डियों के अंदर तक तकलीफ पहुंची, कलेजा जल गया है। तुम्हारे लिए मंसूबा बनाया गया है। आजकल खजानदार शोजब की बीवी की बात हर ऐसी औरत के जबान पर है जिसका दिन गीबत के बगैर नहीं गुजरता। ऐ खुदा, ये कैसा सख्त इम्तिहान है। अली से इश्क करने की ये सजा है दुल्हन बानो, अली को छोड़ो, उनके बेटे हुसैन से जंग करो, तुम बिला तश्बीह मरियम अज़रा बन जाओगी। या अली, मैं कैसे इस बाबा एलिया से किनारा कशी कर सकती हूँ जिसको मैंने अपने बचपन की पाक फितरत से पहचाना है। सरकार, आधी रात गुजर गई है, अगर आपको यहीं पर ही सोना है तो कुछ इंतज़ाम किया जाए। कैसा इंतज़ाम? आपने खाना भी नहीं खाया, खाने का और बिस्तर का इंतज़ाम किया जाए। नहीं, मेरी बीवी ने आज अच्छा खाना बनाया है, चला जाऊंगा। आका आप हैं? सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। आका आप तो सलामत हैं? क्या मेरी मौत का इंतजार था? खुदा वो दिन ना दिखाए, मैं अंधी हो जाऊं। आका बड़ी देर कर दी, ख्याल कर रही थी कि आपने इस्तीफा दे दिया जिसकी वजह से आपको एदाम कर दिया गया। अगर तुम और तुम्हारी बानो मेरी जान न लें तो मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे बानों की इस कदर मेहर व मोहब्बत को आखिर किस दिल में जगा दूँ? इस्तकबाल के इस अंदाज ही से मालूम होता है कि मेरी उन्हें कितनी फिक्र है और मेरे जिंदा रहने के लिए कितने आंसू बहाए हैं। जरूर थक हार कर जानमाज पर ही सो गई होंगी। हाँ, ऐसा ना कहिए आका, बानो तो आपका बहुत ख्याल रखती हैं। Thank you.
मर्द आकल जो अनकरीब बाप बनने वाला है, बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठा है। लड़ाई भी जिंदगी का नमक है शौजब। वैसे बुरा नहीं है कि कभी कभी बड़े लोग भी बचकाना हरकतें करें, उस शर्त पे कि वाकई बचकाने हरकतें हों, क्योंकि बच्चे जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी ही जल्दी सब कुछ भूलकर दोस्ती कर लेते हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं। बच्चों का दिल पाक होता है, उसमें कीना नहीं होता। मान लेती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन कब तक इसकी सजा मिलती रहेगी? बिला वजह अपने को खर्राटे लेने पर मजबूर ना करो। तुम सो कहाँ रहे हो? जाग रहे हो? जागा हुआ आदमी खर्राटे नहीं लेता। शौजब, शौजब, ये क्या तमाशा है? तमाशा? कौन सा तमाशा? ये तुम्हारा गुस्सा, बात बंद कर देना, देर से घर लौटना और जल्दी चला जाना। जागते हो और दिखाते हो कि सो रहे हो। बताओ मुझे क्या करना होगा कि तुम अपनी ये गलत रफ्तार छोड़ दो। आधी रात को बेदार करके मुझसे इधर उधर की बातें पूछती हो। तुम्हें नहीं मालूम तुमने कौन सा जुल्म किया है मुझ पर? नहीं जानती, मैं कई बार तुम्हारी इजाजत के बगैर मस्जिद गई, देखा कि तुम मुखालिफ हो, मैंने इस अच्छी आदत को तर्क कर दिया बस। बेहतर था कि मस्जिद जाते हुए अपने कान जरा तेज कर लेती, खुद समझ जाती कौन सा जुल्म हुआ है मुझ पर। शौजब, तीरे तोहमत ने हमारी खुशियों को निशाना बनाया है। बुरे लोग हुसैन की तरफदारी के जुर्म में मेरी पाक दामनी पर धब्बा लगाना चाहते हैं ताकि तुम्हारी कमर तोड़ दें। अजीब, तो समझ गई तुम। जब तुम्हें मालूम था कि क्यों तुम पर तोहमतें लगाई जा रही हैं, तो दुश्मन के लिए मौका क्यों फराहम किया तुमने? एक देर से ताल्लुक रखने वाली नई मुसलमान औरत का हुसैन इब्न अली की बैस से क्या ताल्लुक? क्या तुम वही शौजब हो जो हुसैन से दुश्मनी के जुर्म में इब्ने मरजाना को कत्ल करना चाहते थे? इब्ने मरजाना के कत्ल को छोड़ो, इस्तीफा भी ना दो, बनी उमैया के नमखार भी रहो, लेकिन अपने दिल से खयानत ना करो। मुझे हुसैन की बैत से महरूम करने के लिए तुम्हारा दिल कैसे राजी हो गया? मेरा दिल कैसे राजी हो गया? तुम कैसे राजी हो गई कि अपने झूठे ख्वाब की वजह से मुझे शेर के मुंह में भेज दो? तुम्हें पता था कि अगर इब्ने जियाद मेरी नियत से बाखबर हो जाए, मेरी गर्दन उड़ा देगा। थोड़ी बहुत मुखालिफत भी जो तुमने की, वो इसलिए ताकि किसी को शक ना हो। जर्रा बराबर भी अगर मेरी जान की तुम्हारी नजर में कीमत होती, तो पत्थर की तरह मेरे सामने खड़े होकर मुझे वो काम ना करने देती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हुसैन की जान ज्यादा अजीज है शौहर की जान से। अलवी भी सियासत के मैदान में इतने कमजोर नहीं है। वो तमाम लिखे जाने वाले आशिकाना खतूत देर में रहने वाली एक ईसाई औरत की तरफ से उसे लिखे जाते हैं जो खजाने का मालिक है, एक अच्छा हरबा है। एक ईसाई औरत के भेस में एक को मामूर करते हैं ताकि कूफे के खजानची को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाए इन्हीं दिनों के लिए। ये बेहुदा बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं शौजब? कि जाहिरन नसरानी लड़की अपनी मामूरियत के तहत जनाब खजानेदार को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाया है? क्यों, किस लिए? मालूम है किस लिए? ताकि हामिये हुसैन बन जाए, हो जाए दुश्मनान हुसैन का दुश्मन। शौजब एक ऐसा अहमक बन जाए जो एक बेहुदा ख्वाब की बिना पर उस अमीर के कत्ल के दर पे हो जाए जो हुसैन को मारना चाहता है। देख लिया तुमने, देखा तुमने खनकते हुए सुनहरे सिक्कों के साथ साथ एक ऐसी खोपड़ी मेरे पास है जो हो रही साजिश को फौरन समझ लेती है।
ये बातें तुम्हारी नहीं हैं, ये जुमले तुम्हें किसी ने सिखाए हैं जो मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई चाहते हैं। ये बातें ना किसी की बताई हुई हैं, न बदखाहों की तोहमतें हैं, ना कोई गलत फहमी, एक हकीकत है जो तलख है। हक रखते हैं लोग, हक है उन्हें कि हजार तरह की बदगुमानियां हमारे बारे में करें, जब देखते हैं कि यजीद के खजानेदार की बीवी मोहब्बत हुसैन का दम भरती है। मेरा अमीर, मेरा सरदार, हाकिम कूफा अलवियों के साए का भी दुश्मन है, लेकिन उसके खजानेदार की बीवी खुल्लम खुल्ला हुसैन हुसैन करती फिरती है और कोई उसका रोकने टोकने वाला नहीं है। यह सब क्या है? हाँ, क्या है यह सब? या मैं बेगैरत और बेहया हूं, या मेरा अमीर अहमक और सादा लौ है, या मेरी बीवी खाइन। आखिरी बात, बेयत हुसैन का इनकार करके सबके मुंह पे ताले डाल दो। शौजब, अब तक जो तुमने चाहा मैंने किया, मैं शर्मिंदा हूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मारिया, ये कैसी अंधी मोहब्बत है? तुम हुसैन के बारे में जानती क्या हो जो उसकी मोहब्बत में इस तरह असीर हो चुकी हो? मैं हुसैन को क्या जानती हूँ? हाँ, तुम क्या जानती हो हुसैन कौन है और उसका क्या हदफ और मकसद है? हुसैन मबूस हुए कि अपने नाना के दीन को दोबारा जिंदा करे, जो दीन बेरूह और मुर्दा हो चुका था। हुसैन आ रहे हैं कि उस मुर्दा दीन को जिंदा करें अपने दमे मसीहाई से। हुसैन आ रहे हैं ताकि जुल्म का खात्मा करें, रियाकारी के लिबास को पारा पारा कर दें। हुसैन आ रहे हैं ताकि फुकरा भूखे ना सो जाएं और यतीम बच्चों को बाप की मोहब्बत दे। हुसैन बीवी दो आलम के बेटे हैं, जिनका महरिया सारे आलम का बानी है। हुसैन के गले को पैगंबर ने बारहा बोसा दिया और कहा कि वो सरदारी जवाना ने जन्नत है। मेरे हुसैन एलिया जैसे बाप के बेटे हैं, जब उनका कत्ल हुआ तो कूफे के सारे बच्चे दोबारा यतीम हो गए। फिर ये ना कहो कि अलवियों ने तुम्हें नहीं भेजा है। तुम अपने इस जोश और वलवले और हुसैन से अपनी वालहाना मोहब्बत के होते हुए क्यों ऐसे मर्द के घर में आई हो जो खुद रास्ते से भटक चुका है? आखिर क्यों ऐसे की नमखार बनी हो जो खुद यजीद का नमखार है? तुम आई हो मेरी हिदायत करने के लिए या मुझे अपना आलेकार बनाने के लिए? ये अली की खुशबू थी जो मुझे तुम तक पहुंचाई। तुम मेरे लिए वही शौजब हो जिसको कूफे की ताउन जदा वीरानों में देखा था। मारिया, खतरा बड़ा है, दुश्मनों के तीर तोहमत चल रहे हैं। उस बच्चे का ख्याल करो जो अभी आने वाला है। हमारा दीन तकिये को जायज समझता है, अगर कभी मुसलमान मजबूर हो जाए तो वो अपनी जबान से इस्लाम और ईमान को छुपा सकता है, लेकिन दिल में मुसलमान रह सकता है। तकिया उस वक्त जायज है जब किसी की जान बच रही हो या कोई फितना दफा होता है। आज हुसैन का इनकार करना बराबर है हुसैन का खून बहाने के। तुम्हारी इन अलवी बाजियों से मैं थक चुका हूँ। ऐ काश मैं हामिला ना होती। ये हुई ना बात, ये यानी नफरत, मुझसे नफरत, झूठी मोहब्बत से नफरत, कूफे के अहमक खजानादार से इश्क, एक हरबा था कूफे के महल में दाखिल होने के लिए। मैं अहमक था कि तुम पर एतमाद किया, मैं अहमक था। मैं खुद उस बच्चे को
कि जिसका नहीं मालूम किसका बच्चा है देखना नहीं चाहता। लानत हो मुझ पर, लानत हो शैतान लाइन पर। मारिया तुम खुद समझो, मेरी पहली और आखिरी बात यही है, या मैं या हुसैन। अब खुद समझो, खुद समझो तुम। मैंने सुना था कि कूफे के खजाने का अमीर एक शुजा मर्द है जो कभी धोखा नहीं खाता, किसी भी तूफान से नहीं घबराता, किसी भी वसवसे में मुब्तला नहीं होता। मेरी तो जान निकली जाती है जब मैं अपने ख्वाबों के शेर को इस तरह मायूस देखती हूँ। तुम तो इस तरह बेहाल हो कि अगर कोई झाड़ू देकर खजाना ले भी जाए तो तुम्हें खबर नहीं होगी। इस थैली को मैंने तुम्हारे सामने चुराया है। टूट चुका हूँ हुमैरा, टूट चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूफे के दाढ़ी रखने वाले तुम पर गालिब आ गए। बहुत से तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते शौजब। भूलो नहीं कि तुम्हारी अमानतदारी की तेज तलवार ने बहुत से लालची जरपरस्तों को जख्मी कर दिया है। तोहमत और बोहतान से वो तुम्हारी कमर तोड़ देना चाहते हैं। जब शौजब अमीन नहीं होगा तो सिर्फ खजाना रह जाएगा, फिर लोग इन सिक्कों को लूट ले जाएंगे। उठो शौजब, हिम्मत ना हारो। नहीं हो सकता हूं मेरा, नहीं हो सकता। मेरी कमर टूट चुकी है। तुम्हारा ख्याल सही था, मारिया ने मुझे हुसैन के बदले बेच दिया। तुम कितने भोले हो। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि तुम कैसे 15 साल से इस खजाने पर हाकिम हो। तुमको तो धोखा देना पानी पीने से भी आसान। मारिया ने तुम्हें सस्ता नहीं बेचा, समझे? वो तो मामूर थी कि तुम्हें यहाँ से निजात दिलाए। निजात दिलाए काहे से? इस दुनिया के भंवर से, शैतानी ताकत से, जलालत और गुमराही से। वो आई ताकि तुम्हारी रूह को पाक कर दे और अपने साथ अर्श पर ले जाए, मलकूत पे। जिस तरह से 15 साल पहले मैं तुम्हें अर्श से नीचे जमीन पर खींच लाई। तो फिर लानत हो मुझ पर कि औरतों के हाथ का खिलौना बन गया। लानत हो मुझ पर, यानी मैं इतना जलील नफ्स था और मुझे खुद नहीं मालूम। क्यों तुम अपना जनाब आदम से मुकायसा नहीं करते? आसमानी किताब की तरफ जरा झांक कर देखो। जिसने आदम को धोखा दिया वो सांप नहीं था बल्कि एक औरत थी शौजब। इन नकैदकुन नावरीम, मैं भी एक औरत हूँ लेकिन औरत की बुरी जिन से नफरत करती हूँ। लानत हो तुम्हारे धोखेबाज जाहिर पर, तुम्हारा जाहिर और बातिन दोनों बला है। तुम्हारा हिसाब किताब इतना दकीक नहीं है जैसा कि मैं समझ रही थी। अदलो इंसाफ की नजर से भी ऐसे ही है। कहीं तुम मारिया से नाइंसाफी ना करना, उसने तुम्हारी मोहब्बत में आग का मुकाबला किया है। तुम्हें याद नहीं जब उसको जलाना चाहते थे? मारिया की फिदाकारी इश्क हुसैन की खातिर थी।
इस बात को मैंने कल रात उसकी आंखों में महसूस किया। अलबत्ता खुद भी उसने जबान से इकरार किया वो इस बात से पशेमान है कि वो हामिला है। तो उस ईसाई लड़की ने तमाम चालाकी के बावजूद अपना राज फाश कर दिया। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, मुझे नहीं पहचाना बख्तुन्नास। खाओ खाओ। लो मक्कल जान आ गए, आओ खुशामदीद खुशामदीद। चाहते थे ना आऊं, बेजान हो गए, वापस चला जाऊं। मेरी तो जान निकल गई अली वालों की तरह रहते रहते। चंद दिन रोजे से था, इफ्तार में 2-3 अदर खजूर या थोड़ा सा नमक और रोटी। वाकयन अलवी होना बहुत सख्त है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सख्त। खाओ खाओ, भूखे प्यासे जो आए हो। चलो चलो, ये सब तुम खा जाओ, खाओ खाओ खाओ, खाओ। अबे गले में ना फंसा लेना, क्या कर रहे हो तुम मक्कल जान, क्या कर रहे हो तुम। चंद दिन जो तुम यहाँ नहीं थे, मैं तो यतीम हो चुका था। अब मैं समझ सका कि तुम कितने नायाब गौहर हो मक्कल। मैं यहाँ एक झूठा बाप भी है। अबे शैतान कहीं के। अबे शैतान के बाप। क्या क्या क्या? अपने आप से कह रहा था अमीर। अच्छा, क्या कहा? चलो बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, कहाँ थे, क्या किया? पहले 2 लुकमे खा लेने तो दो, फिर तुम्हारी बातों का जवाब दे दूंगा। बताओ कब तक सब्र करूं कि ये भारी पेट शिकम सहर हो जाए। खाते खाते बोलते जाओ, जल्दी जल्दी। तुम भरे? अव्वल बताओ फिर खाओ। तुम मुफ्त में किसी को कोई चीज नहीं दोगे, पहले बताओ फिर खाना खाओ। मक्कल जान, अगर खाली हाथ आया होता तो ये खाना नहीं देते क्यों? हाँ, अगर खाली हाथ आए हो तो। अगर खाली हाथ आए हो तो मैं तुम्हारे भारी पेट को गर्म सर्प से भर दूंगा। चल बता जल्दी। मत डरो, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। फकत अपनी जान मत दे देना कि मैं मुर्दा धोने का हौसला नहीं रखता। इब्ने अकील से मुलाकात करके आया हूँ। मक्कल कसम से, तुम्हारे सर की कसम। वाह रे शैतान के बच्चे, शैतान के बाप। मक्कल जान दे जल्दी बता, कहाँ है? जल्दी कहाँ है? जल्दी अभी देता हूँ। कहाँ है? जेब में तो था, जेब फट गया था, लगता है जेब से गिर गया। कैसे गिर गया? देखा क्या हुआ, जेब फटा हुआ था, कहीं गिर गया। अरे पागल, ज्यादा बनने की कोशिश न कर, ये कौन सा मजाक का वक्त है, ला जल्दी दे। तुम्हारे बगैर मेरे लिए ऐसा हुआ जैसे कि हलीम के देख के अंदर गिर कर जल गया हूँ, ला जल्दी दे। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने बड़े गलत काम अंजाम दिए। हाँ, एक बात सुन के आया हूँ, ये हानि के घर जाने का किसका मशवरा था? हाँ? जिसका भी मशवरा हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, मगर किस कीमत पे? अगर इब्ने अकील अपने जौहर दिखा देता तो तुम्हारे लिए सूरह रहमान पढ़ते और तुम्हारे फातिह का हलवा खाते। हैं? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मेरा हानि की अयादत को जाने से इब्ने अकील का क्या ताल्लुक है? एक खुदा के अहमक बंदे, इब्ने अकील हानि ही के घर में था, वो तुम्हें कत्ल करना चाहते थे। नहीं नहीं क्या? हाँ नहीं, मुझे यकीन था कि मुझे नहीं मारेंगे। मुझे अगर मारते तो उनकी आबरू चली जाती। तुम्हारा मुकद्दर अच्छा था कि आखिरी घड़ी मुस्लिम को हिंदुस्तान का हाथी याद आ गया और उनको अपने चचा अली की जवान मर्दी याद आ गई और अपने बेदफा मेहमान के कत्ल से मुंसरिफ हो गए। सच इब्ने अकील वहां था? हाँ, वो कोठरी में छुपा हुआ था। अभी तक इब्ने अकील हानि के घर में छुपा हुआ है। बस जब तक वो मेरे गायब होने की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, तुम जल्दी जाओ, मेरा अचानक गायब हो जाना
कहीं मुजाहिदीन को मशकूक ना कर दें और अकील की जगह बदल दें। अब इजाजत है कुछ खाऊं? खाऊं? मैं शोजब के कहने पर हानी की आदत पे गया। कहीं ऐसा नहीं कि शोजब भी हानी के साथ मिला हुआ हो। हाय हाय, शहर कूफा हजार चेहरे वालों का शहर है। कूफे में किसी पर भरोसा ना करो। शोजब हुसैन से जंग करने का मुखालिफ है, इसमें शक नहीं। उसकी आंखों से पता चलता है, लेकिन उसकी खयानत के बारे में यकीन नहीं है। शोजब खजानेदार तुम्हारे हाथ में है, मुस्लिम की फिक्र करो, कहीं भाग ना जाए। हाँ हाँ हाँ, इब्ने ज़ियाद मलून इस मंजिल पर पहुंच गया है कि जो एक मुसलमान की बेहतरामी करे, मुसलमान की आबरू रेजी करे, और तुम जैसे बेपट्टे के कुत्तों को मुसलमान के नामूस पर छोड़ दिया है। लानत हो तुम पर, लानत तुम बेगैरतों पर, लानत इस ज़ालिम खानदान पर। शेख, झगड़ा, बलवा क्यों नाराज होते हो? मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपके घर के तमाम कमरों की तलाशी लूं। आप ही के किसी आदमी ने अमीर से चुगली की है और अमीर से बताया है कि मुस्लिम आप ही के घर में छुपे हैं। तूने मेरे घर को मैदान जंग समझा है जो लश्कर कशी की है लामजहब? नहीं, आपने कैसे समझ लिया कि मैं बेदीन हूं? क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि मैं पुलिस रात पर आपका दामन पकड़ लूं? अगर आपकी बुजुर्गी और ईमान हमसे ज्यादा है तो क्या आप हमको कुत्ता, गधा, बेदीन कहेंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपको जनाब खच्चर कहूं या ऊंट? मरहबा अरब, वारे मुसलमान, तेरी अरबी गैरत कहाँ है और तेरे आदाब मुसलमानी? यह आदाब मुसलमानी है कि एक मुसलमान के घर पर चढ़ाई कर दो और दरवाजे को तोड़ दो, नामूस की चादरें छीन लो। ज्यादा मत गुस्साओ, ज्यादा गुस्सा मत करो जनाब आली। हमने कब दरवाजा तोड़ा और किसकी चादरें छीनी? यह अमीर का हुक्म है कि हम घर की औरतों की भी तलाशी लें। शायद मुस्लिम किसी की चादर के नीचे छुपे हों। हलाल ओ हराम अमीर की गर्दन पर है। जब आप उसकी खिदमत में पहुंचना तो इसके बारे में अमीर से गुफ्तगू करना, और ये बईद नहीं है कि आप अमीर को अपनी गुफ्तगू से हरा दें। आओ आओ, जनाब हानी की मदद करो ताकि अब्बा पहनकर हमारे साथ चलें। दुल्हन बानो कहाँ है? बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए खाला। दुल्हन बानो बताओ, दुल्हन बानो कहाँ है? कौन सी आबादी में थी? जब से तुम्हें देखा नाला फरियाद के अलावा कुछ नहीं सुना। अब कौन यतीम हुआ? कूफा, कूफा यतीम हो गया। वाह, तुम्हें शर्म नहीं आती बेहया लड़की? कौन उल्लू है बदतमीज, बदतमीज? नहीं खाला सलमा, तुम तो एक खुशनसीब चिड़िया की तरह हो। कितना आबाद होगा वो घर जिसकी छत पर तुम बैठ जाओगी। अच्छा अच्छा, खुदा गधे को जानता था जो उसे सींग नहीं दिया। अगर तुम सुर्ख सफेद होती क्या आग लगाती। दुल्हन बानो कहाँ है? काली मिर्च? हाँ सलमा। बर्बाद हो गई सलमा, लुट गए हम, लुट गए दुल्हन बानो। इब्ने मरजाना ने आखिर अपना काम कर ही लिया। सिपाही हानी के घर पर टूट पड़े, मारा तोड़ा ले गए, हानी को कत्ल करना चाहते हैं। दुहाई है दुल्हन बानो, हिम्मत करो, खजानादार सिफारिश करे हानी को कत्ल न किया जाए। इब्ने मरजाना खजानादार की बात सुनता है, कह दो हानी की शिफात करे। रेहाना, जाओ मेरा अबा और निकाब ले आओ। अच्छे वक्त पर मेरी मदद को पहुंची हो मैरा।
नजदीक था कि एक नसरानी लड़की के झूठे ख्वाब की वजह से अपने को हलाकत में डाल दूं। तुमने अब तक मुझे दो मर्तबा मौत के चंगुल से छुड़ाया है। तो क्या तुम जैसे मुस्तैदी शख्स के लिए बेहतर नहीं कि अपने कर्ज को अदा करे और अपनी जान का देन अदा करे? जान की कीमत कैसे अदा करूं? थैली थैली सिक्के? नहीं, ये इंसाफ नहीं है। जान की कीमत को सिर्फ जान से अदा किया जाता है बानो। आज के बाद से मैं अपनी जान तुम्हारे हवाले करता हूं, जब दिल चाहे ले सकती हो। मैंने अपनी जुल्फों को तुम्हारे घर का हल्का बना दिया है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा दिमाग उस ईसाई लड़की के पास है। शैतान कहेगी, मैं कसम खाकर कहता हूँ बच्चे के दुनिया में आते ही उसकी माँ को उसकी कब्र के हवाले कर दूंगा। शौजब, काश मुझे मौत आ जाती। खुदा ना करे हो मेरा, कि तुम क्या कहती हो आखिर? तुम हमेशा जिंदा सलामत रहो। हर बुरी हकीकत की खबर क्या मैं ही तुम्हें देती रहूंगी? बात क्या है हुमैरा? वो लोग मरियम पर ये कहकर हंसते थे कि कैसे एक जवान लड़की जिसने शादी भी नहीं की वो हामिला हो जाती है और बच्चे को जनती है, और जवाब में मरियम सिर्फ उस नूर की बात करती है जो उसके वजूद में जलवागर हुआ और उसे हामिला बना दिया। मलकूत खुदा की बशारत देने वाले ईसा के हमल से। इस हौलनाक किनाए से तुम्हारी क्या मुराद है हुमैरा? तुम जानते हो कि मुस्लिम इब्न अकील कूफे में कब दाखिल हुए? ठहर जा हुमैरा, मैं तुम्हारी मुंतजर थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तुम मुझे बदनाम कर सकती हो, मेरी सौतन जो हुई, लेकिन इस मासूम बच्चे को उस जवान मर्द अरब से नस्बत देना सिर्फ एक शैतान का काम है, सिर्फ एक शैतान का काम। काश इस गंदगी फैलाने की आवाज में कुछ बेहतर इनाम मांग लेती। ये जलील और बदबख्त जो तुम्हारे बराबर खड़ा है एक बिल्ली के बराबर है। खामोश हो जाओ मारिया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम चुप रहो शौजब, तुमने मेरी पाक दामनी और इस्मत को बुराई की आवाज बेच डाला। आह, लानत हो तुम पर, लानत हो तुम्हारे संग दिल पर। सुनो यहूदी लड़की, तुमने 15 साल इस बदबख्त को शादी की उम्मीद पर खयानत करने पर मजबूर कर दिया और गुम हो गई। गुम होने की वजह मैं नहीं जानती, चूंकि मैं तुम्हारे गुनाह का नहीं जानती, कुछ नहीं कहूंगी, खुदा आलिम है। लेकिन मैंने इन जनाब को देखा जो मेरे बचपन के खातिरात को जिंदा कर रहे थे। उनको एक ऐसे शख्सियत का मुरीद पाया जो अदालत और इंसाफ में बेनजीर था। अफसोस, मैंने गलत देखा। बहरहाल, इंसान जायजुल खता है, कभी कभी आंखें भी दिल को गलत खबरें देती हैं। लो, इस अंधी और बदसूरत बिल्ली को तुम ले जाओ, इसके गर्दन में सुनहरी जंजीर डाल दो, ता आखिर तुम्हारे पीछे दुम हिलाती फिरे। अगर समझती हो कि ऐसे मर्द का शिकार कर लिया है जो तुम्हें खुशबख्त बना देगा, तो तुम हर दुआलम में मकबूल हो गई। म्याऊ।